हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोजोआ। आज मैं आपसे प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। एक मिनट में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, आपको एक मिनट में याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है। अगर आपको नाम याद रहेगा तभी तो आप एग्ज़ाम में इसको सही कर पाएंगे या ट्रिक से भी याद कर पाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है पायरिया, पेचिस, कालाजार, ऐसे सोने की बीमारी। अब देखिए पांचों नाम हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखिए MPPKS तीन चार बार आप बोलेंगे आपको बिल्कुल ट्रिक याद हो जाएगा। एम से होता है मलेरिया, पी से होता है पायरिया, पी से होता है पेचिस, के से होता है कालाजार और एस से सोने की बीमारी। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ये MPPKS के आप ट्रिक को याद कर लीजिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। अब ये नाम हम लोग देखते हैं कि मलेरिया में कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम, पायरिया एंटी अमीबा जिंजोवेलिस, पेचिस होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, कालाजार होता है लिस्मेनिया जोनावानी, सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे, साइंस में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ट्रिक समझ में आया होगा। अगर ये आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।